ग्राम कंडरा में होने वाले बाल विवाह को टीम ने रुकवाया, वहीं दूसरी ओर मतरकुंड में कोरोना कर्फ्यू में हो रही शादी में समझाइश देकर रुकवाया पार्टी। पाटी क्षेत्र के दुर्गम ग्राम कंडरा में शुक्रवार को होने वाले बाल विवाह को अधिकारियों ने पैदल ग्राम में पहुंचकर रुकवाया। साथ ही दूसरी ओर ग्राम मतरकुंड में अधिकारियों का दल पैदल पहाड़ों पर को पार करता हुआ मतरकुंड पहुंचा। यहां पर मतरकुंड के निवासी श्री काजलिया के घर पर कोरोना कर्फ्यू में उनकी पुत्री की शादी कर रहा था, जिसकी सूचना अधिकारियों को मिली। अधिकारी सहित मैदानी अमले ने मतरकुंड निवासी काजलिया को समझाया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगा है, इस दौरान शादी करना कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करने पर 188 की कार्रवाई भी हो सकती है। संबंधित पक्षों ने आश्वासन दिया कि अब शादी कोरोना कर्फ्यू के बाद ही करेंगे। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग के सेक्टर प्रवक्षक सुनंदा गुलवा ने पुलिस विभाग से आरक्षक बालू सिंह बामनिया, सैनिक वर्षालाल पटवारी, अविनाश वास्कले का योगदान रहा। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री प्रकाश रोंगसाई को ग्राम कंडरा जैसे ही सूचना मिली कि ग्राम कंडरा में बाल विवाह की तैयारी चल रही, वैसे ही उन्होंने बीएमओ डॉक्टर देवेंद्र वास्कले, सेक्टर प्रवक्षक सुश्री सुमन चौहान व पटवारी मनीष धनगर सहित अन्य मैदानी अमला मुख्य मार्ग से वाहन छोड़कर खेतों से पैदल चलते हुए ग्राम कंडरा संबंधी के घर पहुंचे, जहां ज्ञात हुआ कि सतीश पिता तुलसीराम अपनी नाबालिग पुत्री की शादी पक्की होने का कार्यक्रम कर रहा था। इस पर उसे बाल विवाह के प्रावधानों से अवगत कराते हुए समझाया कि जिस पर संबंधित ने विवाह की रस्म पुत्री के बालिग होने के बाद ही करने का आश्वासन दिया।